दोस्तों, अगर आप घर में ही बीजों से नए अंजीर के पौधे बनाना चाहते हैं तो बहुत आसान है। इस तरह का ये जो सूखा हुआ टुकड़ा है अंजीर का, जिनको हम अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए खाते हैं भिगो के, इसका एक टुकड़ा आप इस तरह से एक बर्तन में डाल दीजिए और इसको 5 से 6 घंटे तक भीगा रहने दें। उसके बाद इस तरह से पानी का कलर भी बदल जाएगा और ये फूल कर इस तरह से सॉफ्ट हो जाएगा बिल्कुल। और अब आप देख सकते हैं इसके अंदर एक दो नहीं बल्कि बारीक बारीक अनगिनत जो है बीज दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। यही अंजीर के बीज हैं जिनको हम इस साफ कटोरी के पानी में अब डाल के निकाल लेंगे। देखिए, अंदर की तरफ इसमें डालने से कटोरी में काफ़ी सारे बीज आ गए हैं। बाकी अभी जो पल्प में है इनको भी आप धीरे धीरे हाथ से इस तरह से निकाल सकते हैं। अंजीर को आसानी से गमले में बोया जा सकता है, घर में या ग्रो बैग में उगाया जा सकता है। अंजीर को जो ड्राइड फिग जो मार्केट में मिलता है, ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे इसमें हमारे जो स्वास्थ्य लाभ होते हैं और पाचन शक्ति के लिए बहुत बढ़िया है। कैल्शियम, इसके अलावा और बहुत सारे पोषक तत्व इसमें मिलते हैं, तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है। साथ ही और बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें जिनको ये रोकने में सक्षम है। तो इसको बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ के लिए खाया जाता है। और इसको आप गमले में भी उगा सकते हैं, कटिंग से उगा सकते हैं, साथ ही बीजों से भी इसको आसानी से उगाया जा सकता है। तो ये पल्प से बीजों को अलग करने के बाद आप इसको एक गमले में इनको बो दें, जैसे बाकी बीज बोए जाते हैं थोड़े रेतीली मिट्टी लेके, उसी तरह से इसके बीज भी बोए जाते हैं। तो इसमें जो ऊपर ऊपर से पानी है उसको हम निकाल देंगे और जो हेल्दी बीज हैं वो आप देख सकते हैं ये नीचे रह गए हैं। ये बहुत ही आसान तरीके से देखिए आप ये बीज बन गए हैं। तो काफ़ी संख्या में बीज मुझे मिल गए हैं एक ही टुकड़े से। इसी से आप एक नहीं बल्कि बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। तो जिस तरह से हम नए सैपलिंग्स बनाने के लिए मिट्टी यूज़ करते हैं, वही इसके लिए यूज़ करना है। एकदम रेतीली साफ़ सुथरी ये मिट्टी है। जो मैंने ये एक मेरा गमला है 8 इंची का, जिसमें मैं ये डाल रही हूँ, छोटा गमला है, इसी में पौध तैयार कर रही हूँ एक तरह से। तो मिट्टी थोड़ी भुरभुरी होनी चाहिए, साथ ही ज़्यादा उसमें मोटी मोटी या दरदरी ना वैसे ना हो, थोड़ी सॉफ्ट मिट्टी हो, बारीक हो, मतलब उसमें ज़्यादा डली ना हो, मोटे टुकड़े ना हो। तो इसमें अब ये बीज जो है उनको अब हम इसमें फैला देंगे इस तरह से डाल के, फिर हाथ से फैला देंगे। नहीं तो ये क्या होगा, अगर हम हाथ से मिट्टी में इनको मिक्स नहीं करेंगे तो ये क्या होगा कि जो बीज हैं वो कहीं पर एक साथ ज़्यादा गुच्छा बन जाएगा और कहीं पर कम रहेंगे। तो आप देख सकते हैं आसानी से मैंने इनको बीजों को फैला दिया है। और अब इसके ऊपर बहुत ही बारीक सी एक मुश्किल से 1 सेंटीमीटर ऊंची जो है एक लेयर हम मिट्टी की बना देंगे, क्योंकि बहुत बारीक बीज है। तो इसलिए ऐसे जब बारीक जो बीज होते हैं उनको बहुत ज़्यादा गहरे हमें नहीं डालना होता। और इसके बाद इसके ऊपर कर देंगे पानी का स्प्रे। मिट्टी सिर्फ इतनी डालनी है कि जो बीज हैं वो कवर हो जाए। तो बिल्कुल भी इसको दबाना भी नहीं है हाथ से। और ये जो है बीज ये हो गए हैं, लग गए हैं, और इन्हीं से हमारा जो पौधा है वो तैयार हो जाएगा। इनको उगने में, जर्मिनेट होने में 1 से 2 हफ्ते तक लग सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। ये ना सोचें कि 4-5 दिन हो गए और पौधे क्यों नहीं बन रहे हैं। 1 हफ्ते के बाद इसमें एक एक करके जो है वो बीज जर्मिनेट होने शुरू हो जाएंगे और 2 हफ्ते तक इसमें ज़्यादातर बीज जो है वो जर्मिनेट हो जाएंगे। पानी कोशिश करें स्प्रे करके डालें, क्योंकि बारीक बीज हैं, अगर हम वैसे हाथ के सहारे से भी पानी डालेंगे तो भी ये जो है बीज इधर उधर हो सकते हैं। और जो बीज खुले बाहर में आ जाते हैं उनके ऊपर हल्की सी मिट्टी और डाल दें। और इस तरह से ये हमारे बीज जो हैं वो लगकर तैयार हो गए हैं और 1 से 2 हफ्ते के अंदर हमारे ये बीज जो है वो जर्मिनेट होने शुरू हो जाएंगे। और इस तरह से हम कई सारे पौधे जो हैं वो घर में ही बना सकते हैं, आसानी से उगा सकते हैं। तो अंजीर को उगाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इस तरह से आप आसानी से ही और सस्ते में ही नए पौधे बना सकते हैं।